सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं दूसरी कक्षा के लिए हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम लोग क्या सीखेंगे? मात्राएं और उसके द्वारा वर्णमाला। पिछले कक्षा में हम लोग क्या सीखे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में पूरे 50 अक्षर होते हैं, वे हैं अ से लेकर श्र तक। वर्णमाला को 3 भागों में डिवाइड किए हैं, वे हैं स्वर। स्वर में 13 अक्षर रहते हैं, अ से लेकर आ तक। और व्यंजन में 39 अक्षर हैं, वे क्या हैं? क से लेकर ह तक। संयुक्त अक्षर में 4 अक्षर होते हैं, वे क्या हैं? क्ष त्र ञ श्र। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी सीखे हैं। क वर्ण, क वर्ण में क से लेकर अंत तक अक्षर रहते हैं। और च वर्ण में च से लेकर इन। और ट वर्ण में ठ से लेकर कणा। त वर्ण में त से लेकर ना। वर्ग में प से लेकर मात्रक अक्षर रहते हैं। आज हम वर्णमाला के बाद मात्राएं सीखेंगे, उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर के आधार से ही हम लोग मात्राएं लिखेंगे। देखिए, मात्राएं लिखने के लिए एक सीक्रेट है। स्वर लिखेंगे, उसमें भी छिपे हुए मात्राओं को निकालकर हम लोग वर्णमाला लिखेंगे। एक बार आप सब लोग ध्यान से देखिए कैसे मैं मात्राओं को स्वर से निकाल के बाहर करती हूँ। ठीक है, ये क्या है बताइए? ये स्वर लिखी मैं इधर। आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे स्लीपिंग राइटिंग लिखे हैं ना, लेकिन यहाँ मात्राएं सीखने के लिए मैं ऐसे स्टैंडिंग वे में एक के नीचे एक लिखी, क्योंकि आपके लिए ऐसे पूरे 13 अक्षर लिखने के लिए जगह नहीं रहता, लेकिन ऐसे आपको 15 लगी है रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्ट्रेट लिखी। आप एक बार गौर से देखिए, अ के लिए कोई मात्रा है क्या? नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ एक स्लिपिंग में रख देंगे, कोई मात्रा नहीं है ना। तो ये और आ में हम लोग आ को छुपा देने से जो दिखता है वही आपकी मात्रा है। और ई, ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों में अंतर आपको जानना है। छोटी ई में कुछ भी आपको नहीं दिख रहा मात्रा, लेकिन बड़ी ई में ये जो ऊपर की छोटी है ये राइट साइड है, तो छोटी ई में किस तरफ होना? लेफ्ट साइड। छोटी ई के लिए लेफ्ट साइड और बड़ी ई के लिए राइट साइड, ऐसा ही है ना? इधर राइट साइड है ना। अब आगे बढ़ते हैं ऊ के। ऊ के लिए यहाँ ऐसे उल्टा सी के जैसा है ऊ की मात्रा। अब यहाँ आपको नीचे लिखना है ऊ की मात्रा। अब बड़ी ऊ, बड़ी ऊ में भी मात्रा यहाँ छिपा हुआ है, उसे यहाँ लिखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। और उसके बाद रू, रू में भी यहाँ छिपा हुआ है सी के जैसे। देखिए इसमें ही है ना ये सब मात्राएं, मैं कहीं से लाई क्या? नहीं ना। देखिए, अ से लेकर रु तक में मात्राएं लिखी, वो सब इसमें ही आपको दिखाई दे रही है ना। एक बार बोलिए, ये क्या है? अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। आ के लिए आ की मात्रा है, कैपिटल टी के जैसे दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल टी के जैसे। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई के लिए राइट साइड है, इसलिए छोटी ई के लिए लेफ्ट साइड। अब ऊ की मात्रा देखिए, यहाँ अक्षर के अंदर ही ऊ की मात्रा है, और बड़ी ऊ की मात्रा देखिए अक्षर में ही है, बड़ी ऊ की मात्रा, और ये रु की मात्रा है। अब आगे बढ़ते हैं ए के पास। ए और आई, छोटी ए बड़ी ए, तो इसके लिए देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक छोटी है, दोनों को एक छोटी ज्यादा देंगे, तो यहाँ क्या बना? एक छोटी हो गया, यहाँ दो छोटी बन गई, इसमें से निकालेंगे ना। एक छोटी है इसके लिए, इसको भी एक दी है, इसको भी एक दी, तो इसके लिए एक हो गया, इसके लिए दो हो गए। ए आई, ध्यान से देखिए ये आई। उसके बाद देखिए यहाँ मैं फिर आपको हाइड की छिपा दी, तो क्या दिखाई दे रहा आपको? ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लिखिए ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा। अब इसके बाद आओ, इसमें भी मैं आपको छिपा दी, तो क्या दिखाई दे रहा आपको? आओ, आओ की मात्रा दिखाई दे रहा है, लिखिए ऐसे आओ की मात्रा। अब उसके बाद यहाँ भी मैं आपको छिपा दी, तो क्या है?
अनुस्वर, बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। और उसके बाद यहाँ भी आकर्षवादि में क्या दिखाई दे रहा आपको? हाँ, विसर्ग। ऐसे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब ये सब आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से निकाल के लिखे हैं बताओ? ये स्वर से ही निकाल कर हम लोग यहाँ लिखे है ना। अब बताओ स्वर में मात्राएं हैं कि नहीं? स्वर से ही मात्राएं निकाल के लिखे हम लोग। अब इनसे क्या करेंगे? बारहगड़ी लिखेंगे। बारहगड़ी लिखने से पहले एक बार मात्राएं दोहराएंगे। कैसे पढ़ना? बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे स्वर को पढ़ते हैं। ये प आ इ ई उ ऊ रु मात्रा मात्रा करके नहीं पढ़ना। अ की मात्रा, इ की मात्रा ऐसे नहीं पढ़ना। डायरेक्ट वो अक्षर के साथ ही पढ़ना। अब उसके बाद ए, इसको भी ए कहते ना, ए आई ओ औ अम अ। और इसको अनुस्वर भी कहते हैं, इसको विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ अब हम बारहगड़ी लिखेंगे। में व्यंजनों से हम लोग बारहगड़ी लिखते हैं। स्वर से हम लोग मात्राएं बनाएंगे और व्यंजनों से बारहगड़ी लिखेंगे। क से लेकर श तक जितने भी अक्षर हैं उन सब के लिए हम लोग बारहगड़ी लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ अक्षरों का बारहगड़ी लिखकर दिखाऊंगी, बाकी सब अक्षरों का बारहगड़ी आपको घर पर बैठे हुए अभ्यास करना है, लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, करेंगे ना? वेरी गुड। अब देखिए क, क यहाँ लिखेंगे और ये कौन सी मात्रा है? अ लिखेंगे तो ये बन गया क। सुनिए एक बार ध्यान से सुनिए, क बोलते समय पहले क सुनाई देना और अंत में आ सुनाई देना, मतलब क और अ, क सुनाई दे रहे ना। हाँ, अब का को हम आ की मात्रा जोड़ने से क्या हुआ? क। उसके बाद क छोटी की मात्रा की, क की की, ऐसे ही क और बड़ी की मात्रा की, क की की। उसके बाद क लिखो और क्या है ये बताओ? छोटी उ, क और उ, कु, क उ कु, क प्लस ये क्या है? बड़ी उ की मात्रा। देखिए बड़ी उ की मात्रा क प्लस उ कु, क उ कु। अब का लिखिए फिर रु, क रु कुरु, क रु कुरु। ऐसे आगे लिखेंगे का के लिए ये एक ही मात्रा लिखेंगे, तो क और ए के, क ए के। उसके बाद क और आई, क आई कई, बोलिए सब लोग बोलिए, क और आई कई। क को ओ की मात्रा देने से क्या हुआ? क ओ को, क ओ को। ध्यान से सुनिए क ओ को, क। अब ये क्या है बताइए? आओ, ये क्या है? आओ, ये आओ की मात्रा है। यहाँ क्या ऐड करना है? आओ की मात्रा कौ, क आओ कौ, क आओ कौ। क्या लिखिए? ये क्या है? क्या बोली? बिंदी नहीं अनुस्वर। क्या है? अनुस्वर। अनुस्वर को लिखिए इधर क अम कम। क्या लिखिए? और ये क्या है? क्या बोले मैं? दो बिंदियों नहीं विसर्ग। हाँ विसर्ग, क प्लस अह कह, क कह। अब और एक बार बोलिए क का कि की कु कु कुरु, के कई को कौ कम कहा। का के लिए बारहगड़ी हो गया। अब ऐसे ही सभी अक्षरों के लिए हम लोग बारहगड़ी लिखेंगे और मैं पूरे पांच लिखूंगी
बाकी सब आपको लिखना है, ठीक है। ग का के बाद में गा को चुनो, बीच में ख है वो भी लिख सकते हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। ये क्यों बताने में आपको बाद में समझाती हूँ। अब ग, गा के लिए कोई मात्रा नहीं है, इसे आगे कोई मात्रा नहीं, इसे यहाँ कुछ भी ऐड नहीं है। अब गा देखिए, गा गा के लिए आपकी मात्रा जोड़ने से ग बनता है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए ग के पास ऑलरेडी एक स्टैंडिंग लाइन है। कुछ बच्चे प्यासे चाहिए, ये आपकी मात्रा है इसलिए इसको और नहीं डालना, लेकिन ये पूरा अक्षर ग है, ग के साथ आपकी मात्रा मिलाकर रखना है। ग ग अ ग क्या बोलिए, ग आ ग बस। अब गा लिखिए, फिर ये जो छोटी की मात्रा है यहाँ से लेकर आना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेकर आना है, जहाँ खंबा है चढ़नी लेने लगी है वहां से लाना है छोटी की मात्रा। ग इसकी घी, ग बड़ी की मात्रा, देखिए ये स्टैंडिंग लाइन को ही ये सब मात्राएं ऐड कर रहा है, ठीक है। जहाँ स्टैंडिंग लाइन रहता है कोई भी अक्षर हो, वो स्टैंडिंग लाइन को ही हम लोग मात्राएं ऐड करेंगे, जहाँ स्टैंडिंग लाइन नहीं रहेगा उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ग एक ही मात्रा, चौथे से छः।
प्लस आई चाइल्ड, च प्लस आई क्या है चाइल्ड, च और ओ की मात्रा, च प्लस ओ की मात्रा च ओ चोर, च औ की मात्रा चाउ, च औ चाउ, च अनुस्वर चम, चम चम खाते चम वो वाला चमने, चम चमने च म चम, च म च म लिखते हैं चम चम, यहाँ चम चंदा ऐसे, च इसर चह चह, अब और एक बार रिपीट करेंगे च च बोलिए च च ची ची चू 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 चे चरी चो चाउ चम चह, समझ में आई ना। अब और एक अक्षर लूंगी मैं, एक बार आप पूरा ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ वो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पूरी बारकड़ी एक ही पेज में आ जाएगी, 15 लाइन्स रहते ना एक ही पेज में आ जाएगा, मुझे यहाँ ज्यादा नहीं इसलिए मैं बाजू में लिख रही हूँ। अब लिखेंगे ट, इसमें कोई स्टैंडिंग लाइन है क्या बताइए, इस अक्षर में स्टैंडिंग लाइन है, ऐसे खंबा है ना, ये खंबा इसमें है नहीं है ना। अब देखिए इसके लिए कैसे लिखना, वे बोली कि हर मात्रा को खंबे को ऐड करना है, स्टैंडिंग लाइन को ऐड करना है, लेकिन यहाँ कोई भी स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो क्या करेंगे कैसे लिखेंगे देखिए, अ के लिए कोई मात्रा नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, अ लिखेंगे स्टैंडिंग में तो आपकी मात्रा ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए तारीखी में छोटी की मतलब कैसे लिखेंगे, यहाँ जो छोटा सा स्टैंडिंग लाइन है उसको लगाएंगे टी, ट प्लस ई टी, ट प्लस बड़ी हुई टी, ट प्लस उ यहाँ नीचे ऐसे लगाएंगे टू, ट प्लस उ टू, ट प्लस बड़ी उ की मात्रा टू, ट की मात्रा हो, औ की
हो गया बाकी बारे में। अब एक बार सब पढ़ेंगे। आगे की क्लास अगले क्लास में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक